नमस्कार मु प्रेरणा आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। स्वास्थ्य मनिषर सबुठ बड़ संपद। स्वास्थ्य को नहीं अधिका जत्नवान हवा निहाती आवश्यक। आज अध्याय आम कथा हवा एक निर्दिष्ट रोग विषय। आजर अध्याय जाणीबा टनसिलाइटिस्र कारण लक्षण चिकित्सा एवं चिकित्सा परवर्ती जत्न संपर्क। यही टनसिलाइटिस कहाक भी पारे एवं संक्रमण कारक भिन्न हो पारे किंतु विशेषकर यह 5-15 वर्ष बयस पिला बेसी होवार देखा जाए और भूताणु जनित टनसिलाइटिस्र प्रभाव सबुठ अधिका। टनसिलाइटिस्र कारण पूर्व मु टनसिल कौन टे कहक चाहूँ। टनसिल है आम भगवान गोटे स्ट्रक्चर देते जो छुआ जन्म हुए तापर से कौन बहुत इनफेक्शन को एक्सपोज होवार संभावना थाए तो से इनफेक्शन रो बंच माने प्रोटेक्ट करने गोटे लिम्फोइड ऑर्गन बॉडी रे भगवान सृष्टि करती लाइक टनसिल लिवर स्प्लीन से सबू किंतु लिवर स्प्लीन डेवलप हाँपाई टिके टाइम लगे तो टनसिलटा से अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ रे टनसिलटा बहुत हेल्प करे प्रोटेक्शन पे इन्फेक्शन रो कारण सेटा गोटे लिम्फोइड ऑर्गन जिकि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे बैक्टीरिया सांगे फाइट करे तो जेतेबेले टनसिल इन्फेक्शन हो जाए सेटा को आमे टनसिलाइटिस कहू। जेकोनसी बयस रे देखा गले मध्य विद्यालय जाउथिबा छात्र छात्री को टनसिलाइटिस हेबार संभावना बेसी। भूताणु जनित टनसिलाइटिस ग्रीष्म एवं शरत ऋतु रे देखा जाउथिबा बेले बैक्टीरिया जनित टनसिलाइटिस शीत किंबा आद्य बसंत रे देखा जाइथाय। टनसिलाइटिस रो कोनोसी पर्टिकुलर एज नथाय किंतु मोस्ट कॉमनली टनसिलाइटिस देखा जाए अर्ली एज रे छुआ मानकरे किंतु अप टू 40 इयर्स इवन एल्डरली रे भी टनसिलाइटिस होवार संभावना थाए। टनसिलाइटिस कारण वायरस हो पारे बैक्टीरिया हो पारे मोस्टली मोस्ट कॉमन है वायरस तापर बैक्टीरिया भी अच्छे जोटा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो गोटे पर्टिकुलर बैक्टीरिया अच्छे से भी बहुत कॉमनली इनफेक्ट करे। आउ गोटे कारण है टनसिल स्ट्रक्चरटा जमी से भितर गोटे होल मानते होल स्ट्रक्चर थाए जो आम क्रिप्ट्स बोली कौच जितेबाला छुआ खाए जहाँ भी खाए से क्रिप्ट्स भितर खाद्य जिनस पशी जाए वन्स पशि जाए से जो बहुत दिन रोब से इनफेक्ट हो जाए इनफेक्ट हेले सेठु टनसिलाइटिस स्टार्ट हुए तो टनसिलाइटिस जोगु कौन माने पिला को बहुत माने खाइबा खाई पारे नि से माने निश्वास भी नहीं पारे नि बेले बेले तो से टाइम रे से सब प्रॉब्लम फेस करियो पड़े ताको। टनसिल आम शरीर रे एक रोग प्रतिरोधकारी अंश विशेष श्वसन नली एवं खाद्य नली द्वारा दोष अवस्थित एही टनसिल बाह्य कारक गुड़ी को अटकाई थाए फुसफुस को सुरक्षित रखिथाए एवं श्वेत रक्तकणिका समेत एंटीबॉडी मध्ये प्रस्तुत करिथाए। तेब टनसिल संक्रमित हेले प्रकाश पाई थाए बहुविध लक्षण। साइंस सिम्पटम्स देखिले आम छुआ मानकर आउ एल्डरली माने बड़ लोक मानकर भितरे टिके डिफरेंस अछि। छुआ मानकर मेनली केतरा कॉमन सिम्पटम्स अछि लाइक बहुत पेन हुए फीवर आसे ज्वर भी आसे आ करिकि देखिले देखिबे आपण टनसिल पूरा बड़ बड़ होइकि रेड होइकि दुसिबो ता उपर धला धला स्पॉट देखा जिवो ता उपर से खाइबा पई प्रॉब्लम करिवो कारण से साइज बड़ होइ जाइथाय जा फल रे खाइबा पई स्पेस न थाए। इवेन रात्रि देखिए छुआ मैंने कंप्लेन करेंगे मो छुआ आँ करके शोच मैंने तार्थ टनसिल संगे आउट स्ट्रक्चर हुए जो आडेनोइड कौच जोटा कि नाकर पछपटे नाजोफारिंग्स कौच से ग्रोथ हुए तो ताजो कौन हुए निश्वास नाक आड़ बंद हो जाए तो से आँ करके शुंती तो सहीटा भी कम्प्लिकेट हो मैंने मीनस आम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कौच से भी गोटे सिम्पटम्स सिलाइटिस बड़ लोक मान कौन हुए मेनली पेन हुए प्रबल पेन हुए खाई पारंती एमती ये बेक को देखले गोला गोला आसे जो लिम्फ नोड कौच आम लिम्फ नोड एक बहुत बड़ हो जाए इनफेक्शन स्प्रेड हवा जो तो ये सब सिम्पटम्स देखा जाए टनसिलाइटिस। तो टनसिलाइटिस को आम दुई पाखे व्यवहार करूँ गोटे एक्यूट टनसिलाइटिस और है क्रोनिक टनसिलाइटिस। एक्यूट टनसिलाइटिस मेनली सिम्पटम्स रहे 3-4 डेज किंतु अप टू 2 वीक्स पर्यंत थाए तो एक्यूट टनसिलाइटिस जे आसे मैंने आम डेफिनेटली फास्ट एंटीबायोटिक ही स्टार्ट करूँ। एंटीबायोटिक मेनली आम एमोक्सिलिन दो एजिथ्रोमाइसिन से सब ड्रग ऑफ चॉइस आम कहुए
तो से सबुरे जदि भल हो जाए भल कथा जदि से बारंबार आसे से रिकरेंट टन्सिलाइटिस कहूँ बारंबार आसे मैंने गोटे क्राइटेरिया अच्छे जब वर्षक तीन थर आसे कि तीन वर्ष पर्यंत कंटिन्यूसली आसे तेज से आम परसिस्ट रहे टू विक्स पर भी से क्रोनिक टन्सिलाइटिस कहूँ तो क्रोनिक टन्सिलाइटिस हेल्ले आम फास्ट तो एंटीबायोटिक दहु कि एंटीबायोटिक काम न करे बारंबार आसे से सर्जिकल उपाय रिमूव कर सर्जिकली बहुत टेक्निक अच्छी लाइक आम इलेक्ट्रोकॉटरी टेक्निक अच्छी लेजर टेक्निक अच्छी कोब्लासन टेक्निक अच्छी तो सर्जिकली रिमूव करदे कौन हम सी बारंबार आसवन से गोटे कम्प्लीट परमानेंट उपाय कले चले टन्सिलाइट्स मात्रा को देखे चिकित्सा पद्धति अपणई था विशेषज्ञ स्तर जदि साधारण थाए औषध चिकित्सार उपशम होवार संभावना रही किंतु जटिल अस्त्रोपचार द्वारा रोगी को मिलता है संपूर्ण आरोग्य देखो टन्सिलाइटिस मेनली मुझे भी कही छुआ मान हुए कारण है गोटे जदि से बेस थंडा जिनस खाती थंडारे टन्सिल बढ़िवार संभावना रोचे कारण टन्सिल ग्रोथटा थंडा को सेनसीटिव थाए थंडा बाजिले सी बड़ हो जाए टी तो सेटा गोटे कारण था जो मैंने आइसक्रीम बेस खाती जो मैंने चॉकलेट बेस खाती कि आउ गोटे रिएक्टिव रिएक्शन जोड़ा कौच आम बारंबार जो इनफेक्शन को गोटे स्प्रेड इनफेक्शन को एक्सपोज हो जन से भी लिम्फोइड ऑर्गेनक बड़ होकर एनलार्ज हो जाती जोड़ा कि आम इनफेक्टेड टन्सिल न कहकर आम हाइपरट्रोफाइड टन्सिल कौच जब टन्सिल हाइपरट्रोफाई होकर बड़ हेले भी सेम सिम्टम्स देखा खाईपर निश्वास नहीं पार नहीं से टाइम भी आम सर्जरी करने बाध्य होती बड़ लोक मानकर यहाँ अन्य कारण से मोस्टली इनफेक्शन इनफेक्शन हो कारण है जेत एजटा जिते बड़ हम टन्सिल जो स्मूथनेसटा था रफ हो जाए जहाँफल से क्रिप्स एक बड़ बड़ हो जाए तो क्रिप्स मैंने जो होल थाए टन्सिल देह से होल जो से भितर खाद्य जमा हुए खाद्य जमिक बेले बेले स्टोन हो जाए बेले बेले पस है बाहर बेले बेले आब्सेस भी हो जाए तो से टाइम सर्जरी गोटे मात्र उपाय जोटा कि परमानेंट उपाय विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या बल चिकित्सा पद्धति में घटी अनेक परिवर्तन रोगर जटिलता को गुरुत्व दे शल्य चिकित्सार परामर्श दे था विशेषज्ञ अस्त्रोपचार समय समस्या संपर्क में स्वतंत्र ध्यान गोटे छुआ मान जदि ऑपरेशन करेनि कि एंटीबायोटिक द्वारा काम करेनि से किसी ट्रीटमेंट करेनि तो साइज बढ़ रि छुआटी स्ट्रगल कर निश्वास नापी तो डेफिनेटली कम्प्लिकेट मानने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होवार संभावना थाए तापरे बड़ लोक मानकर कौन हुए ना इनफेक्टेड टन्सिलाइटिस स्पेसिफिकली जोड़ा कि आम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया करे से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कौन हुए से अन्य ऑर्गन को स्प्रेड हुए लाइक से हार्ट को स्प्रेड हुए एंडोकार्डाइटिस करे किडनी को स्प्रेड हुए ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस करे तो से सब कॉम्प्लिकेशन अच्छी बेले बेले पस जमी जाए पस होकर आब्सेस हो जाए जोड़ा कि आम पेरिटन्सिलर आब्सेस कहूँ तो से सब कॉम्प्लिकेशन संभावना रोचे तो मुझे रेकमेंडेड करी ऑपरेशन करके रिमूव कर करदे ऑपरेशन माने टन्सिल को बाहर करा जाए कि बाहर करार तार हाथ में कॉम्प्लिकेशन रो संभावना रोच लाइक ब्लीडिंग हम रिएक्शनरी ब्लीडिंग कौन प्राइमरी ब्लीडिंग सेकेंडरी ब्लीडिंग कौन माने ऑपरेशन हो बेड को पेशेंट जा ब्लीडिंग हमारे संभावना रोच तो यहाँ तो आम जमी प्रिपेयर होकर रोक पड़ो कि को उपाय कले सब कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम माने से लेटेस्ट टेक्निक आगे आसूसी जोड़ा कि लेजर लेजर कौन हुए ना इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग जो थाए ऑपरेशन टाइम रो जो ब्लीडिंग हुए से ब्लीडिंगटा बहुत कम हुए प्लस इंट्रा ऑपरेटिव माने पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो थाए तो ब्लीडिंग और पेन मेन दुईटा जिनस से दुटा जिनस लेजर और कोब्लासन कले तार संभावना कम थाए से लेजर कोब्लासन लेटेस्ट टेक्निक विशेषज्ञों मत में साधारण अस्त्रोपचार और लेजर चिकित्सा उभय फलप्रद तेब अस्त्रोपचार समय और परवर्त अवस्था विशेषज्ञों परामर्श अनुसार रोगी और तार प्रिय परिजन मानि चल विधेय किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन ना यहाँ प्योरली पेसेंट चॉइस किंतु छुआ मानकर बेटर लेजर कब्लासन कले कारण से स्मूथ था टीस्यूटा जो टन्सिल टीस्यूटा इजिली बाहरी पड़े आ छुआ मानकर ब्लीडिंग संभावना अधिक माने ब्लीडिंग हेले कॉम्प्लिकेशन रो चांस अधिक से आम के चाहूनी छुआ मैं गोटे ब्लीडिंग हम बोली से आम 100% सिक्योर करने को चाहूँ तो लेजर कोब्लासन रेकमेंडेड करे मु छुआ मानकर स्पेसिफिकली आउ एडल्ट मानकर ब्लीडिंग हेले भी समानकर बॉडी बहुत माने एते हठात किसी प्रॉब्लम हुए नी तो से दे कैन चूज अकॉर्डिंग टू माने तांकर जदि क्षमता अच्छी लेजर करबा पई करबे लेजर अदरवाइज कन्वेंशनल टेक्निक भी किसी प्रॉब्लम नहीं टन्सिल ऑपरेशन पर यूजुअली आम एडवाइस करूँ से लैटरल शोवाई कारण टन्सिल ब्लीडिंग है जानवु कमी एट भितरी जिनसा बाहर किसी कराने तो भितरी जब ब्लीडिंग हम सी गिदब गिड़ी पर भोमिट हम
तो सेटा को आम जानवाप से पेसेंट को आम कौ लैटरली शोवाई जो पार्टी जो रक्त बाहर कि जीवटा रक्त देखा बोले बैचान्स ब्लीडिंग होने जापर तो सेटा गोटे और द्वितीय कथा प्रथम दुई तीन दिन पर्यंत आम रेकमेंडेड करूँ ओनली थंडा जिनस खावाई जो दिन अपरेसन होते दिन आम रेकमेंडेड करूँ 4 घंटा पर आइसक्रीम खावाई यहाँ गोटे मात्र सर्जरी जोटा कि अपरेसन पर आम आइसक्रीम खावाई एडवाइस करूँ आइसक्रीम कोल्ड कोल्ड मानने मीनस कोल्ड क्षीर कोल्ड मिल्क तो से सब खावाई रेकमेंड करूँ आ गए 7 दिन पर्यटन से सॉफ्ट डाइट खाए कारण पेनटा टी किछ अंतर पेन गिलेला टाइम रे रही पारे प्लस जेहेतु फोसाडा आमर टिके खाल ओळिया हे जाइथिबो ऑपरेशन परे तो सेठी खाद्य जमीबार भी संभावना रोए तो केबे भी आमे हार्ड जिनस रेकमेंड करून मिक्सर लाइक थिंग रोटी टिके हार्ड रोटी से सब खाइले जदी बाजी जीव माने ब्लीडिंग होवार संभावना थाए तो आमे किछ 7 डेज पर्यंत सॉफ्ट डाइट खाइबा पई रेकमेंड करू सॉफ्ट और कोल्ड डाइट आजिर संपूर्ण प्रस्तुति आपन मानक पई सहायक हेबो निश्चय आमको विदा दियंतु रहुछु नमस्कार।